दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा हमने जो एस्पेरेगस फर्न है इस प्लांट को हमने लास्ट दिसंबर में इसको इस हैंगिंग पॉट में लगाया था। चलिए मैं पहले एक बार आपको इसका रिकैप दिखाता हूँ, फिर आज हम इस पे थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग करेंगे और कुछ इसकी केयर की बातें करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपने देखा कैसे हमने इसको रिपोर्ट किया था, कैसे इसकी जो रूट्स है उसको हमने पूर्ण किया था। उसके बावजूद देखिए जो प्लांट है काफी अच्छे से ग्रो किया है। दोस्तों मैं एक बार इसकी जो हैंग करने वाली जो उसको हटा देता हूँ, इससे जो हमारे प्लांट है उसकी शेप हमें अच्छी पता चलेगी कि कौन सी शेप इसकी ठीक है। और मैं इसको फ्यूचर में एक ऐसा शेप दूंगा जिससे कि कुछ कुछ इसका जो लुक है वो ट्री जैसा लगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इसके जो ड्राई लीव्स हैं उनको रिमूव करते हैं, जो ड्राई ब्रांचे हैं उनको, और फिर उसके बाद इसकी जो ब्रांचे उनको हम शॉर्ट करेंगे। जो ज्यादा ड्राई ब्रांच हो जाती है वो हाथ से इस तरह से निकल आएगी, लेकिन जो हाथ से ना निकले उसको आप रिमूव कर दें। रिमूव कहाँ से करना है आपको, यहाँ से नहीं करना है, जहाँ से तक ये ड्राई है वहाँ तक आप इसको इस तरह से रिमूव कर दें। और दोस्तों देखिए, इसकी जो ब्रांचे हैं, जो ड्राई ब्रांचे थी वो मोस्टली हमने निकाल दी है। अब हमें क्या करना होगा कि जो प्रूनिंग है वो करनी होगी। दोस्तों, इसकी प्रूनिंग करने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको हम इस तरह से यहाँ से बांध दें किसी चीज से, देखिए इस तरह से, ताकि बाद में ये एक ट्री का लुक ले। तो मैं इसको पहले हैंग कर देता हूँ यहीं पे, हम इसको बांध देते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए इसका जो ये चीज है, इसकी जितनी भी ये स्टेम है ये सब जब ज्यादा गहरी हो जाएगी तो ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएगी और ये एक ट्री का शेप ले लेगा। ओके दोस्तों, प्लांट को हमने पुन कर दिया है और इसको हमने एक स्टाइल भी दे दिया है जिससे कि ये कुछ दिन बाद जब ये इसकी सभी स्टेम है जब ज्यादा गहरी हो जाएगी और आपस में ये मिल जाएगी तो इसका ये जो हमें एक ट्री का ट्रंक दिखेगा और ये एक ब्रूम स्टाइल में जो ट्री है वो दिखेगा। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह का अच्छा लगे, यानी कि ये इस तरह का स्टाइल इसका अच्छा लग रहा है, पहले से काफी ठीक लगा मुझे। तो आप डायरेक्ट सनलाइट की बजाय इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हर प्लांट को लाइट जरूरी है। जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको भी आप लाइट जरूर दें, डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट लाइट जरूर उसको मिले। तो इसको आप इनडायरेक्ट लाइट में रखें ताकि अच्छे से ग्रो करें। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो ब्रांचे हैं, जो स्टेम है इस तरह की, ये सूख जाएगी, जल जाएगी। तो अच्छा यही होगा आप इसको या तो सेमी शेड में रखें या ग्रीन नेट के नीचे रखें, या अगर कोई बड़ा ट्री है उसके नीचे रखें, उसके नीचे ग्रो करें तो ये अच्छे से ग्रो होगा। मैंने इसको हैंग किया हुआ था एक दीवार की साइड जहाँ पे जो ब्राइट लाइट है सिर्फ वो आती थी, या इस पे जो मॉर्निंग की सनलाइट है सिर्फ वो आती थी। तो देखिए जो प्लांट हमारा इसने अच्छे से सरवाइव किया और अच्छे से ग्रो भी किया। अब मैं इसको मेरे गार्डन एरिया में रख दूंगा बड़े ट्री के नीचे और नेक्स्ट टाइम फरवरी के अंदर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको इसी पॉट में रखूंगा और अब मैं इसको हैंग नहीं करूंगा, मैं इसको विदाउट हैंगिंग गार्डन एरिया में रख दूंगा। दोस्तों, वाटरिंग भी इसमें ज्यादा नहीं करनी होती है, ज्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसके जो ये स्टेम है जो ये सड़ जाएंगे। तो इसमें सिर्फ इतनी वाटरिंग करें कि हल्की नमी रहे,
इसमें थोड़ा सा सोइल अगर आपका ड्राई हो जाता है तो चल जाएगा, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। तो हम कम वाटरिंग में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इसको आप फर्टिलाइज कर सकते हैं एनपीके से, इसको 20 दिन में एक बार आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।